हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं हॉटस्पॉट स्टडी। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल का रिज़ल्ट की डेट बहुत नज़दीक आ चुकी है। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप लोगों के यदि कम नंबर हैं तो आप लोगों के सिलेक्शन होने के चांस हैं कितने हैं या फिर नहीं हैं। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में वाली बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपको लगातार हम अपडेट देते रहते हैं नई वैकेंसियों की। दोस्तों, हमारा सेकंड चैनल है मोटिवेशनल चैनल शिशोदिया जार मोटिवेशनल स्पीकर। आप इसे भी सब्सक्राइब करें, हम आपको लगातार मोटिवेट करते रहते हैं, जिससे आप लगातार वैकेंसियों में यदि हारते भी हैं तो आप हार नहीं मानेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। इसलिए हमारे मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में बनी बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, एसएससी जीडी कांस्टेबल में पासिंग मार्क्स जो रखा गया है एसटी एससी और ओबीसी के लिए, वो रखा गया है 33%। मतलब आपको आउट ऑफ 100 33 नंबर लाने ही होंगे तब आप क्वालिफाई होंगे। सेकंड चीज़, जनरल वालों के लिए रखा गया है 35 आउट ऑफ 100, उन लोगों को 35 नंबर लाना होगा जनरल वालों को, ठीक है। अब दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन के कारण क्या होता है, जिन लोगों के नंबर कम भी आए होते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप लोगों के नंबर आए हुए हैं 28, ठीक है, आप लोगों के नंबर आए हुए हैं 28, यदि आप एस टी एस सी से बिलोंग करते हो, नॉर्मलाइजेशन के कारण आपके मार्क्स 5 नंबर और बढ़ गए तो आप क्वालिफाई हो जाओगे 33 नंबर पर, ठीक है। क्वालिफाई हो जाओगे इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फिज़िकल के लिए बुला लिया जाएगा, लेकिन आप फिज़िकल में आने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। यदि पोस्ट बचती हैं तो आपको 33 नंबर पर ही बुला लिया जाएगा, ये एक तो हो गई पहली बात। दोस्तों, यदि आपने रेलवे एएलपी का एग्ज़ाम दिया होगा या फिर आपके किसी फ्रेंड ने दिया होगा तो आप उससे जाकर पूछिएगा जिसने 12th बेस पर दिया था, ठीक है। मैं 12th बेस वालों की बात कर रहा हूँ, जिसने रेलवे एएलपी 12th बेस पे दिया था, उन लोगों के मार्क्स आए हुए थे, मैं आपको बताता हूँ, माइनस मार्किंग थी 75 में से आउट ऑफ 5 मार्क्स आए हुए थे, ठीक है, 75 में से 5 मार्क्स आए हुए थे रॉ मार्क्स, लेकिन दोस्तों उनको क्वालिफाई कर दिया गया था, उनका नॉर्मलाइजेशन करके उनके मार्क्स 26-27 कर दिए गए थे 5 से, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में। अब क्या उसमें माइनस मार्किंग थी, इसीलिए एक वजह तो ये हो गई कि हाँ उसमें माइनस मार्किंग थी इसलिए उनके नंबर इतने बढ़े, ठीक है। सेकंड वजह ये थी कि दोस्तों स्टूडेंट, उन्हें क्वालिफाई करना था सेकंड सीबीटी के लिए, इसलिए उन्हें कम नंबर वाले बच्चों को भी ज़्यादा नंबर देकर उन्हें क्वालिफाई करना पड़ा, ठीक है। ये थी सीबीटी 2 की बात। एएलपी में दोस्तों लोगों का क्वेश्चन होता है, सर उसमें माइनस मार्किंग थी इसलिए ऐसा हुआ, बिल्कुल उसमें माइनस मार्किंग थी इसलिए इतने ज़्यादा नंबर बढ़े, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं बढ़ेंगे, ज़रूर बढ़ेंगे, इसमें भी आपके नंबर बढ़ेंगे, एसएससी जीडी कांस्टेबल में भी आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, 15-20 नंबर मार्क्स बढ़ने के चांसेस होते हैं एसएससी जीडी में, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन से। दोस्तों, आप लोगों के नंबर कितने भी कम आ रहे हों, रिज़ल्ट आने तक आप लोग ये मत सोचिए कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। रिज़ल्ट आने तक तो बिल्कुल मत सोचिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे आपके नंबर आ रहे हों 20 या फिर आ रहे हों 25 या फिर आ रहे हों 60 या फिर आ रहे हों 80, कितने भी मार्क्स आ रहे हों आपके, आपको रिज़ल्ट आने तक बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि फ़ाइनल रिज़ल्ट तो दोस्तों फ़ाइनल रिज़ल्ट ही होता है, ठीक है। यदि आप लोगों के दोस्तों क्वालिफाइंग मार्क्स आ जाते हैं तो आप लोगों को फिज़िकल के लिए बुलाने के चांसेस होते हैं, जिन स्टेट्स का कट ऑफ कम जाता है। देखिए, हर स्टेट का कट ऑफ कम नहीं जाता, बहुत कम स्टेट होती हैं जिनका कट ऑफ कम जाता है और बहुत कम स्टेट होती हैं जिनका कट ऑफ ज़्यादा जाता है। ज़्यादातर स्टेट जो होती हैं जिनका कट ऑफ मॉडरेट जाता है, मतलब बीच में बोले तो आप 55 से मान के चलिए 62-65 तक जिनका कट ऑफ जाता है वो मॉडरेट स्टेट कहला जाती हैं, ठीक है, मॉडरेट कट ऑफ जिनका जाता है, और इससे ऊपर जिनका जाता है वो होती हैं हाई कट ऑफ जिनका जाता है, जैसे कि देखिए यूपी बिहार, इनका कट ऑफ ज़्यादा जाता ही है, आपको ये मानना पड़ेगा। यदि आप यूपी बिहार से हो तो आपका कट ऑफ ज़रूर जाएगा, हाई जाएगा। हरियाणा से हो, हरियाणा का लास्ट टाइम दोस्तों 80 कट ऑफ गया था, ठीक है, 80 बहुत ज़्यादा होता है, और कुछ स्टेट ऐसी हैं जिनका मात्र 35 गया था, 35 में उनका सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। तो देखिए कितना फ़र्क है, ये फ़र्क है दोस्तों स्टेट वाइज वैकेंसी के ऊपर। दोस्तों, ये जो आपको 6 पोस्ट दिख रही हैं, सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स एंड एनआईए, दोस्तों इसमें से जो ये आपको एनआईए और एसएसएफ दिख रही हैं, इनका जो कट ऑफ है वो 85 प्लस जाता है,
ठीक है, 85 प्लस ही जाता है इनका कट ऑफ, इससे कम में आपको ये पोस्ट नहीं मिलेगी। यदि आपके 82 83 मार्क्स आते हैं तो आप सिर्फ सोच सकते हैं कि हाँ हमें मिल सकती है, लेकिन यदि आपके 85 प्लस आते हैं तो चांस आपके ज़्यादा होते हैं SSF और NIA मिलने के, क्योंकि दोस्तों इसका जो कट ऑफ है ऑल इंडिया वाइज कट ऑफ बनता है SSF और NIA का, इसलिए इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है दूसरी पोस्टों के अपेक्षा। दोस्तों दूसरी पोस्ट में जैसे कि मैं बात करता हूँ CISF और SSB और असम राइफ़ल्स का कट ऑफ भी दोस्तों 82 प्लस जाता है, 80 प्लस और 82 प्लस जाता है असम राइफ़ल्स का कट ऑफ, और यदि आपको CISF SSB चाहिए तो करीब करीब 75 प्लस आपके मार्क्स आना चाहिए, ठीक है, ऑल इंडिया वाइज बता रहा हूँ। कुछ स्टेट में ये कम जाता है, कुछ में 55-60 में भी मिल जाती हैं आपको, लेकिन यदि आप ऑल ओवर देखें तो 75 प्लस आपको CISF और SSB के लिए चाहिए। BSF, IDPP और CRPF के लिए दोस्तों आपको कम से कम 60 प्लस मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, 60 प्लस मार्क्स में आपको BSF, CRPF, IDPP मिल जाएगा, लेकिन ये ऑल ओवर है, ठीक है। किसी किसी स्टेट का CRPF, BSF और IDPP का 72 भी जाता है, किसी किसी स्टेट का 35 भी जाता है, किसी स्टेट का 50 भी जाता है, किसी स्टेट का 45 भी जाता है, किसी स्टेट का 62 भी जाता है, ठीक है, सब कुछ डिपेंड करता है दोस्तों आपकी स्टेट पर। आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आप लोगों के मार्क्स कितने भी कम आए हों आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, आप लोगों के सिलेक्शन होने के चांस हो सकते हैं ऐसा आप सोचिए, कम से कम रिजल्ट आने तक तो आप बिल्कुल ऐसा सोचिए, क्योंकि 20 दिन और बचे हैं, आप मानकर चलिए 21 जून को आपका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, कुछ दिन और बचे हैं तो वेट करिएगा, और आपके मार्क्स जितने भी कम हो भरोसा रखिए कि हाँ हमारा हो सकता है, अपनी स्टेट पे भरोसा रखिए, आपकी स्टेट किस किस स्टेट में हो अपने मार्क्स मुझे कमेंट करके बताइए, आप जिस भी स्टेट से आते हो कास्ट बताइए अपनी, गर्ल्स बॉयज जेंडर बताइए सब कुछ, ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे जॉब वाले चैनल को, और मोटिवेशनल चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। मोटिवेशनल चैनल को इसलिए बोल रहा हूँ मैं सब्सक्राइब करने को क्योंकि आपको आप हार भी जाओगे ना तो हम आपको लगातार मोटिवेट करते रहेंगे ताकि आप हारने के बाद भी ना हारो, ठीक है, जीतने के लिए हमेशा तत्पर रहो। दोस्तों दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।